हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इलोन गेमिंग। गाइस, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे एक और न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज का वीडियो भी बहुत ही मज़ेदार और फनी है, तो आप सब अंत तक देखें। और ये फ्लाइट हमने घर से पकड़ी थी, लेकिन मुझे तो लेके आ गया बरमूडा रिमास्टर में, तो हम यहीं लैंड कर देते हैं, जिसको हम स्कूल बोलते हैं, जो कि एकेडमी है और बहुत ही ख़तरनाक एकेडमी है। गाइस, इधर बंदे तो बहुत आते, लेकिन अभी तो कुछ दिख नहीं रहे। अभी सुना पड़ गया है, क्योंकि भाई लॉकडाउन लगा है अभी एकेडमी में। गाइस, जल्दी से हम यहाँ लूट करते हैं। और मेरा फेवरेट गन जो कि है, कोई भी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट गन मेरा फेवरेट है अभी के लिए, M887। तो गाइस, वही ढूंढते हैं और मिलते ही हम चलते हैं बंदों को ढूंढने। गाइस, फाइनली 7 समुंदर पार करने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ बंदे होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे फायर हो रहा था, तो बंदे तो हो गए ही, संभावना क्या है गाइस, पूरा यकीन है, जो भी हो। और गाइस, देखते हैं अभी हम यहाँ पे कितने किल कर पाते या फिर कितने लोग हैं, क्योंकि कोई कंफर्मेशन ही नहीं है, कोई दिख भी नहीं रहा, बस फायर का आवाज़ आया, और क्या पता हम यहाँ किल भी कर पाए कि या फिर किल ही हो जाएंगे जी। तो चलो गाइस, इसी बीच में कुछ भूल गया बोलना, जो कि अभी याद आया। तो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, और अगर मेरी कमेंट्री थोड़ी थोड़ी भी आपको पसंद आ रही है तो गाइस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और गाइस, हम इसको हेड लेने का ट्राई करते हैं डायरेक्ट, जो कि मुझे देख नहीं रहा है, तो देखते हैं हेड होता है। भाई डिफॉल्ट ने हट दिया, डिफॉल्ट ये मेरे साथ ही क्यों होता है। अभी स्काइलर वाले बंदे को ढूंढते हैं, जो कि कुछ देर पहले इसको स्काइलर मारा था, और मैंने आप लोग को बताना भूल गया, छोड़ो। उसको भी क्या गन भाई डैमेज ही नहीं दे रही है, तो साली M40। अभी क्या करें, अभी रस करके मारना पड़ेगा या फिर हमें गन चेंज करना पड़ेगा। और गाइस, इसके बाद मेरे लिए ग्रोजा बेस्ट रहेगी या फिर इसका M41, जो भी हो, बिना स्किन के। गाइस, तो मुझे किसी में भेदभाव नहीं करनी, किसी गन में कोई भी गन चलेगी, लेकिन भाई ऐसे डैमेज करेगी तो करना पड़ेगा। चलो फाइनली आई गॉट ग्रोजा, तो देखते अभी ग्रोजा से क्या दुल खिला पाते हैं। अभी यहाँ से आगे बढ़ते, क्योंकि वो बंदा तो छुप गया और निकल ही नहीं रहा, शायद भाग गया होगा। तो हम अपने कैरेक्टर मतलब कि केली के प्यारे प्यारे कदमों से बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ताकि हमें कोई मार ना दे। और गाइस, आगे वही बंदा आ रहा है जैसा लग रहा है, तो यह सीधा मुँह पे चल। भाई इतना डैमेज के बाद भी कैसे बच गया ग्रोजा, इतना अच्छी भाई, बहुत मारा था यार, बच गया। चलो नेट करते हैं, देखते क्या हो पाता है नेट से। और गाइस, वो शायद पेड़ के पीछे भाग गए, तो चलो हम रश करते हैं उस पर सीधा, और पूरा बच गया। और शिट, फायर का देखो गाइस क्या हो रहा है, ये तो होता ही है मेरे साथ। चलो अभी ये तो गया नेट से ही शायद, ओके नेट से मर गया। तो अभी इसको लूटते हैं जल्दी जल्दी, इसके पास क्या, ओ भाई इतना दूर से लूटने दे रहे हैं, मस्त है। चलो जल्दी जल्दी लूटते हैं। सो गाइस, वहाँ की लूट कंप्लीट करके हम आ गए अभी न्यूरिक डैम पे, और यहाँ पे जोन श्रिंक होने वाला है, तो शायद ड्रोन से भी बंदे आ सकते हैं। और ये क्या, देखो मेरे सामने ही एक बंदा आया जा रहा है, तो हम इसकी जी तोड़ते हैं। और शायद इसने भी मुझे देख लिया है, तो शायद अपनी जी बचाने की कोशिश कर रहा है, तो बचाने दो, कब तक बचाता है, लेकिन हम इसकी जी तो मार के ही जाएंगे। देखते कितना अपना जी बचा पाता है, क्योंकि हम उसको मारे बगैर जाएंगे नहीं। और वो जितना देर छुप के बैठ सकता है, मैं उतना देर यहाँ वेट कर सकता हूँ उसका, बिल्कुल ये बगैर जा पाना। और ले फाइनली गई, तो वो अपना जी बचाना छोड़ के अपनी पूरी बॉडी बचा रहा है। तो चलो अभी इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमें भी जोन में जाना है, तो आवाज़ को क्या हो गया। सो गाइस, मैंने अपनी आवाज़ को ठीक कर लिया, कुछ तो हो रहा था। तो अभी हम जोन में जा रहे हैं, और यहाँ पे किसी ने ड्रॉप मांगा, और बहुत ही तेज बंदा है, देखो गाइस पानी जा रहे हैं, बहुत ही तेज था भाई, बहुत ही प्रो तुम। चलो अभी तुम्हें परलोक का रास्ता दिखा दिया, अभी वहाँ पे जाओ और अपना गलती देखो क्या किए हो। और अच्छे काम किए रहोगे तो अच्छे वाले तेल में ताले जाओगे, बुरे काम में भाई पकौड़ी बना के खाए जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, और अभी हमें कितना दूर जाना है गाइस देख सकते हो मैप में। और यहाँ पे बाइक दिख रही है, लेकिन हम उसको लेंगे नहीं, क्योंकि गाइस बाइक पे आपको पता ही होगा बहुत ही तगड़ा और मस्त हेड लगता है। तो हम बस भागते हो जाएंगे हमारे अच्छे और प्यारे प्यारे कदमों से। और गाइस, मैं बहुत ही देर से सोच रहा हूँ, मैं कुछ नाम ही रख देता हूँ इसका,
चमेली, चंपा या फिर कुछ भी ऐसा, तो आप लोग कमेंट में बताओ, मैं इसको उसी नाम से बुलाऊंगा। वो मेरा नाम नहीं रहेगा, वो केली का नाम रहेगा। तो अच्छा सा सोचना जो कि मज़ेदार लगे बोलने में भी। चलो, और गाइस एक बार फिर से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, और कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगती है, और या इससे भी अच्छी बनाने की ज़रूरत है वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन फिर भी आप कमेंट में बता दो। और अगर आपको मेरी कमेंट्री और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक करके ही जाना, और भाई शेयर भी कर दो ताकि और लोगों से भी मुझे सपोर्ट मिल सके, और मैं और भी मज़ेदार और फनी वीडियो लाता रहूँ, और इससे भी फनी बनाने की कोशिश करूँगा। कई हर वीडियो में मैं वही ट्राई करता हूँ, तो इसके आगे वाले वीडियो में भी ट्राई करूँगा। तो गाइस मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार है, आपके कमेंट के हिसाब से ही मैं कुछ कर पाऊँगा। तो गाइस कमेंट करना मत भूलना, और अच्छे अच्छे कमेंट करना, बुरे बुरे नहीं, क्योंकि अभी एक एक ईंट जोड़ के मैं घर बना रहा हूँ। अब उसी ईंट में से आप 10 ईंट निकाल ही दोगे तो क्या ही घर बनेगा। तो अच्छे अच्छे कमेंट करना भाई, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ अपना मुझे भी, जैसे हर किसी को दिखाते हो। यहाँ पे मैक्लेरन नहीं, मैं छोटी सी मैक्लेरन नहीं, मैं सस्ती वाली मैक्लेरन पकड़ के निकलता हूँ अच्छे वाले घर में। और भाई इतना बड़ा सर्कल तो नहीं है, लेकिन फिर भी सब तरफ बंद ही होते चले, कुछ पता नहीं, धीरे से इस घर में चला जाता हूँ। लोग ऊपर से पड़ी मुझे, अगर वो दिख नहीं रहा है तो मतलब यहाँ पे छुपा के बैठे अपने पूरे बॉडी पर, नहीं तो किधर से छल्ली हो जाएगा पता नहीं, सब तरफ ही बंद है। अगर गाइस कोई निकलने को तैयार नहीं है तो हम इसी में तड़प तड़प के रह जाएंगे, इतना बोर लग रहा है इधर बैठ के। गाइस हजारों घंटे पूरा होने के बाद इंतजार खत्म हुआ, जब सर्कल स्विंग हो रहा है, और अभी भी चार बंदे हैं, और एक तो मेरे सामने ही है ग्लू लगा के बैठ रहा है। तो लोग से भाई पड़ी इधर से हट जाऊँ, नहीं तो वो मार ही देगा, नेट कर रहा है, मतलब मुझे नेट से मारेगा। देखो इतना छोटा सा समझ रहा है इधर, तो इसको पता चल गया मैंने लेट नहीं लगा था, ये निकलेगा नहीं गई, और क्या ही कर सकते, अभी चलते इसको निकल के मारना पड़ेगा। एक नेट में भी कर देता हूँ इसके लिए, उधर जा रहा है, उधर ही नेट कर दिया। वो भाई नेट से ही मर गया, वो पी एक नंबर गजब। मैं बहुत बड़ा प्रो हो गया हूँ गाइस, अब तो मुझे सपोर्ट करना ही पड़ेगा आप लोगों को। अब होगी गाइस टक्कर की लड़ाई, और देखते हैं मैं जीतता हूँ या वो सामने वाला, और अभी भी उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया, और वो शायद कोने पे वो भाई बंदर लेके आ गया है। हेलो भाई, मैं तो इधर ही फंस गया यार। चलो गाइस अब मिलते हैं इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और इससे भी फनी वीडियो में।